Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hello for hiçbir yetin şey tıkası ve batları. Tüke. Aaj mi pehli bu ak kisi ve eriyu bu. Şu eriyu pe riyet karan. Hava mi tatu ab loga hamara dikşan çalaya. Leke ab log dek lo, like lo, comment kar lo, share lo. Şimdi iska bir çehra nahi hai aur mera bhi nahi rahega chehra. Jaise kuch riyet kar raha hai. आप लोगों को देखना है, मैं ये वेडियो देखा था एक दो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा लगा, तो आप लोगों के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। आप लोग लाइक कर लो, कमेंट कर लो, ओरिजिनल का लिख भी दूंगा, क्योंकि जिसने मेहनत की उसको उसका फल मिले। अगर आप लोग इसकी चैनल पर लाइक करो तो फैली ना करना, तो आप लोगों को कर दो तो अच्छा लगे ये सब, ठीक है। लाजो ये सब कर लो, हम फोन भी देख लो, मेरी फोन ठीक होगी तो आप लोगों को शायद पता चलेगा अच्छा मेरा रिएक्शन तो मैंने कुछ अच्छा किया था या नहीं, वो सब आप कौन बताएं, ठीक है। ओहो बस आप वेडियो शुरू करते हैं, आप लोग देखो वेडियो, उसके बाद बता रहे अगर कुछ गलती है तो कमेंट में बता दो, ठीक है। بسم الله الرحمن الرحيم सवाल है, कौन सी औरत घर पर हो तो घर वालों की कोई दुआ कबूल नहीं होती? जवाब है, बद इखलाक औरत। सवाल है, बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? जवाब है, शुगर। सवाल है, किस चीज़ का तेल नाक में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जवाब है, जैतून का। सवाल है, किस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते? जवाब है, जिस घर में कुत्ते हों और तस्वीर लगी हुई हों। सवाल है, क़यामत के करीब इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? जवाब है, पेट। सवाल है, सदके में कौन सी चीज़ देने से मुसीबत जल्दी ख़त्म होती है? जवाब है, सदका किसी भी चीज़ का दिया जा सकता है। सवाल है, बताइए कि किस मुर्दा जानवर का गोश्त खाना हलाल है? जवाब है, मछली का। सवाल है, किस चीज़ का महसूस होना मोमिन होने की निशानी है? जवाब है, नेकी और बुराई की समझ। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने दिमाग के अलावा और किस चीज़ से सोचने का हुक्म दिया है? जवाब है, दिल से। सवाल है, कौन सी सब्ज़ी खाने वाले पर जादू और नज़र बद का असर नहीं होता? जवाब है, करेला। करेले की खुशबू और रस से शैतान दूर भाग जाते हैं और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को नज़रे बद और जादू से बचने के लिए हफ्ते में एक बार करेला खाने की तलकीन फरमाया करते थे। सवाल है, योम अशूरा की ख़ास इबादत कौन सी है? जवाब है, रोज़ा रखना। सवाल है, मुहर्रमुल हराम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा और कौन से मशहूर सहाबी की शहादत हुई? जवाब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सवाल है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत किस सन में हुई? जवाब है, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में हुई। सवाल है, यकम मुहर्रमुल हराम को कौन सा अमल करने से आप अपनी फैमिली को पूरी ज़िंदगी हर बुराई से बचा सकते हैं?
जवाब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 बार लिखकर अपने पास रखने से। सवाल है कौन सा अमल करने से औलाद हया और एहतराम करने वाली होती है। जवाब है दरूशरी पढ़ने से। सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती कितने साल में तैयार की थी। जवाब है 2 साल में। सवाल है वो कौन से नबी थे जो चींटियों की आवाज़ भी सुन लिया करते थे। जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन से 4 लोग हैं जिनको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। जवाब है जालिम, सूदखोर, माँ बाप का नाफरमान और यतीम का माल खाने वाला। सवाल है वो कौन सा जानवर है जिसके बाल के बदले भी नेकियाँ मिलती हैं। जवाब है कुर्बानी का जानवर। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था। जवाब है हज़रत अब्दुल्ला। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर बनाता है। जवाब है सूरत अखलास। सवाल है क्या आप जानते हैं कि कौन से नबी की बीवी ईमान नहीं लाई थी। जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल है रोज़ाना कौन सी सूरत 33 बार पढ़ने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता। जवाब है सूरत अखलास। सवाल है औरत कौन सा लिबास पहने तो घर से रहमत उठ जाती है। जवाब है मर्दों वाला लिबास। सवाल है रात को बार बार आंख खुलना किस चीज़ की अलामत है। जवाब है खुशखबरी मिलने की। सवाल है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है। जवाब है 40 मर्तबा। सवाल है वो कौन सा मज़हब है जिसमें लड़का अपनी सगी बहन से शादी कर सकता है। जवाब है पारसी मज़हब। सवाल है क्या आप जानते हैं कि कौन से नाम वाली लड़कियां बदनसीब होती हैं। जवाब है लाइबा नाम वाली लड़कियां। सवाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को हक महर में क्या दिया था। जवाब है 20 मर्तबा दरूद पाक पढ़ा था। सवाल है दुनिया में सबसे पहली तलाक किसने किसको दी थी। जवाब है हज़रत इस्माईल ने अपनी बीवी अमारा बिनते सईद को। सवाल है दुनिया में सबसे पहले मेहंदी का इस्तेमाल किसने किया था। जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है कुरान मजीद में किस खातून का नाम 40 मर्तबा आया है। जवाब है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का। सवाल है इस्लाम से पहले काबा के इर्द गिर्द कितने बुत रखे हुए थे। जवाब है 360। सवाल है मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है। जवाब है घुटनों की बीमारी।
सवाल है, क्या आप जानते हैं कि खसूफ किसे कहते हैं? जवाब है चांद ग्रहण लगने को। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद का मतलब क्या है? जवाब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सवाल है, गरीब रिश्तेदार को क्या चीज़ देने से दुगना सवाब मिलता है? जवाब है सदका देने से। सवाल है, जब इस्लाम का आगाज हुआ तो कुरैश के कुल कितने आदमी पढ़ना लिखना जानते थे? जवाब है कुल 17 आदमी। सवाल है, मुसलमानों को किस बात की बार बार ताकीद की गई है? जवाब है, जब वो एक दूसरे से मिलें तो सलाम करें। सवाल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर उनकी मखलूक कितने दिन तक रोती रही थी? जवाब है 7 दिन तक। सवाल है, किस गुनाह की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती? जवाब है ज़कात की अदायगी में कुताही। सवाल है, अशरा मुबशरा में कितने सहाबी शामिल हैं? जवाब है 10 सहाबी। सवाल है, कौन सी आवाज़ है जो 24 घंटे पूरी दुनिया में सुनाई देती है? जवाब है अजान की आवाज़। सवाल है, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब है 145 बार। सवाल है, कौन सा गुनाह करने वाली लड़की का निकाह टूट जाता है? जवाब है इस्लाम छोड़ने वाली। सवाल है, लड़की की कौन सी चीज़ देखकर शादी करने का हुक्म है? जवाब है शर्मोहया। सवाल है, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से कौन सी बीमारी लाहक होती है? जवाब है हड्डियों की बीमारी। सवाल है, क़यामत के करीब अल्लाह ताला के कौन से नबी तशरीफ़ लाएंगे? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस नाम वाली लड़की घर में मौजूद हो तो गुर्बत नहीं आती? जवाब है फ़ातिमा नाम की। सवाल है, किस नबी का कुरान पाक में सबसे ज़्यादा नाम आया है? जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल है, किस इंसान के मिलने पर गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब है मेहमान के मिलने पर। सवाल है, माँ के साथ बदसलूकी करने वाले के साथ क्या होता है? जवाब है उम्र कम होती है। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि करबला किस दरिया के पास है? जवाब है दरियाए फुरात के पास। सवाल है, शैतान किस सूरत के नाजिल होने पर जोर जोर से रोया था? जवाब है सूरत अल-फातिहा। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? जवाब है सूरत तौबा। सवाल है, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है?
जवाब है सूरत अल फातिहा। सवाल है, यकम मुहर्रम अल हराम को सूरत अल फातिहा कितनी बार पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है? जवाब है, तहज्जुद की नमाज के बाद 70 बार सूरत अल फातिहा पढ़कर दुआ मांगने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। बाकी वो वीडियो तो मैंने देख ली, मुझे तो अच्छे थे इसके रेटिंग बहुत हो गए, सारे अच्छे सवाल आते हो कुछ तो आप लोगों ने पसंद आ गया। ठीक है, अब देख लेना, जो पसंद नहीं करते वो बेचारा ऊपर उतर लो तुम भी। ठीक है, आवाज़ सुन गुस्से थे जिस घर में, यानी रिश्तेदार तो नहीं उसका जवाब करते, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे वो भी आपको इधर से मैं तो बोर नहीं करूँगा आपको। थोड़ा रिएक्शन कैसा लगा सब मेरे बताइएगा, और उसको भी गाइड करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग।